वेलकम अगेन। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज मेल गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पिछली स्लाइड में हमने देखा था, पहले तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान देना। पराग कोश में लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है जिसको पराग कण भी कहते हैं, और लघु बीजाणु के अंकुरण से नर युग्म कोद्भिद का निर्माण होता है। मतलब पराग कण जब अंकुरित हो जाए तब हम उसको नर युग्म कोद्भिद कहते हैं। सो इन माइक्रोस्पोरेंजिया देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड द जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर इज टर्म्ड एज मेल गेमिटोफाइट। तो आज हम उसी नर युग्मकोद्भिद के विकास और उसकी संरचना के सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमें ये चर्चा करनी होगी कि एक लघु बीजाणु धानी, हमने देखा था कि पराग कोष के चारों कोनों पर चार लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु बनते कैसे हैं? तो जो लघु बीजाणु धानी होती हैं उसकी कुछ कोशिकाएँ प्रसूतक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं, जिनके विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। सर्वप्रथम इन कोशिकाओं को, जिनको आर्कियोस्पोरियम भी कहते हैं, एक पेरिक्लाइनल यानी समानांतर विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बाहरी भित्ति कोशिका पराइटल सेल और दूसरी जो है लघु बीजाणुजन कोशिका जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं परिवर्तित होती है। ये जो भीतरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है और उससे चार लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु जो है वो सेपरेट ना होकर आपस में जुड़कर एक समूह बनाते हैं जिसे पराग चतुष्टय या पोलन ट्रेटेड कहते हैं। तो अधिकांश एंजियोस्पर्म में ये लघु बीजाणु जो प्रारंभ में बनते हैं वो टेट्रेड के रूप में भी बनते हैं, और उनकी एक विशेष व्यवस्था होती है जिसको चतुष्फलकीय व्यवस्था टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। अगर आप बाहर से ऊपर से देखेंगे तो आपको तीन ही माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे, चौथा माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु इनके पीछे छुपा होता है। तो इसकी इस प्रकार की जो व्यवस्था उसको कहते हैं पोलन टेट्रेड। और हमने पढ़ा था एक एंजाइम होता है कैलेज जो बाद में इन टेट्रेड्स को अलग कर देता है। यहाँ कुछ एक्सेप्शन मैं डिस्कस करना चाहूँगा इन द फैमिली आर्किडेसी और एस्क्लिपियडेसी। उसमें क्या होता है कि सभी पराग कोशों के पराग कण आपस में जुड़कर एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं पराग पिंड, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनियम। ये देखिए, ये एक्चुअली एस्क्लिपियडेसी और आर्किडेसी में इनके बनने का एक स्पेशल उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। कैसे होता है चर्चा करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब इन पर कोई कीट आकर बैठता है तो ये वाला पोर्शन जो है वो कीटों के टांगों में फंस जाता है। तो ये पूरे का पूरा झुंड जो है जिसमें बहुत सारे पराग कण हैं कीट के साथ उड़कर चला जाता है, और जब वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर इसको छोड़ देता है। चलिए, ये इस डायग्राम में शो करके रखा है कि कैसे एक लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये पराग कण है, उसके केंद्रक में विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं, इन दोनों केंद्रकों में विभाजन से पुनः चार केंद्रक बनते हैं, और ये चतुष्फलकीय व्यवस्था में जम जाते हैं। इन केंद्रकों के चारों ओर भित्ति बन जाती है जिससे कुल चार कोशिकाएं बनती हैं। ये तीन हैं पीछे की ओर, एक और है, और इन कोशिकाओं से पराग कणों का परिवर्तन होता है। अभी ये जुड़ी हुई हैं टेट्रेड के रूप में, जब सेपरेट होती हैं तब ये गोलाकार पराग कण के रूप में बन जाती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि इन पराग कण जिनको माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहते हैं इनकी संरचना कैसी होती है। तो अधिकांश पराग कण असंख्य और सूक्ष्म आकार के होते हैं। उसका भी रीज़न है, ये संख्या में ज़्यादा और सूक्ष्म क्यों होते हैं, क्योंकि
अधिकांश परागकणों का परागकण वायु द्वारा या कीटों द्वारा होता है। अब जरूरी नहीं कि ये अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र तक पहुँचें, बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका अधिक संख्या में बनना आवश्यक होता है। और सूक्ष्म क्यों होते हैं? ताकि आसानी से ये वायु द्वारा परागित हो सकें। सो द साइज ऑफ द माइक्रोस्पोर एंड द नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोर इज अ काइंड ऑफ एडेप्शन फॉर द एयर पोलिनेशन, वायु परागण के लिए एक तरह का ये अनुकूलन है। एक और अनुकूलन है, आप इनकी बाह्य सतह को देख सकते हैं, इसकी बाह्य सतह पर अलग अलग तरह के ऑर्नामेंटेशन होते हैं, आवरण होते हैं, और इनकी बाह्य सतह स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, सुगंधित भी होती है, ताकि उनसे कीट आकर्षित हो सकें, कीटों से ये परागकण चिपक सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागित हो सकें। तो प्रत्येक लघु बीजाणु जो है उसके दो आवरण होते हैं, इसको कहते हैं बाह्य चोल एक्साइन और अंतःचोल एंटाइन। जो इसकी बाह्य चोल होती है वो केमिकली क्यूटीन और स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पोरोपोलेनिन, इट इज़ अ हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल एवर नॉन, बहुत ही कठोर होता है और पराग कण की सर्दी, गर्मी, अत्यधिक दाब या हानिकारक रसायनों से सुरक्षा करता है। इसीलिए पराग कण मिट्टी में आने के बाद कई सालों तक असुरक्षित रहते हैं। इसके जो बाह्य आवरण है उसमें जगह जगह छेद पाए जाते हैं, उन छिद्रों को कहते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर। और द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री पादपों की जब पहचान की जाती है तो उसका एक महत्वपूर्ण आधार भी है वर्गीकरण का, विकासिक क्रम का, कि द्विबीजपत्री पादपों में प्रायः 3 जनन छिद्र होते हैं। ऐसे माइक्रोस्पोर को कहते हैं ट्राइकोल्पेट, 3 जनन छिद्र। और जो एकबीजपत्री पादप होते हैं उनमें 1 जनन छिद्र पाया जाता है, उनको कहते हैं मोनोकोल्पेट। तो ये कुछ प्रकार हैं एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री लघु बीजाणुओं के, जनन छिद्रों के आधार पर इनमें भेद किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं अंतःचोल की। ये केमिकली पेक्टोसेल्युलोज की बनी होती है और जब कभी पराग कण का अंकुरण होता है, इसकी जो अंतःचोल है जिसके अंदर इसका जीव द्रव्य भरा है, वो जनन छिद्रों से एक अतिवृद्धि के रूप में बाहर आती है और धीरे धीरे वही अतिवृद्धि पराग नलिका या पोलन ट्यूब में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हमने कहा कि अंकुरित पराग कण को हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो इसका परिवर्धन कैसे होता है? तो प्रथम चरण में क्या होता है कि प्रथम चरण इसका पराग कोश में ही संपन्न होता है और दूसरा चरण पराग कोश से मुक्त होने के बाद, जिसको परागण कहते हैं, उस समय संपन्न होता है। प्रथम चरण में इसके कोशिका द्रव्य में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक बड़ी कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल बनती है, जिसको नलिका कोशिका ट्यूब सेल भी कहते हैं, और एक छोटी सेल बनती है जिसको जनन कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये द्विकोशिकीय पराग कण का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? जब इसका परागण हो जाता है और पराग कण किसी फर्टाइल वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, तो पुनः उसका जीव द्रव्य सक्रिय होता है और इसकी कायिक कोशिका में तो कोई विभाजन नहीं होता, जबकि जनन कोशिका में विभाजन से 2 नर केंद्रकों का निर्माण होता है। इन्हीं 2 नर केंद्रकों को मेल गेमिट, मेल न्यूक्लियस, नर युग्मक या नर केंद्रक कहा जाता है और इन्हीं नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं नर युग्मक जनन, मेल गेमिटोजेनेसिस। Here I want to discriminate the two terms, that is parallel microsporogenesis and male gametogenesis. Microsporogenesis क्या है? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, जबकि gametogenesis अलग चीज़ है, male gametogenesis नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। तो जब दो नर केंद्रक बनते हैं तो ये पराग नलिका में आ जाते हैं, जो सामान्यतः कायिक कोशिका का केंद्रक है वो पराग नलिका में आगे होता है, दोनों नर केंद्रक पीछे होते हैं और निषेचन के पश्चात सामान्यतः कायिक कोशिका का केंद्रक जो है वो विघटित हो जाता है, जबकि दोनों नर केंद्रक जो हैं वो
निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब पराग कण अंकुरित होता है तो यह त्रिकोशिकीय अवस्था में होता है और यही इसकी पूर्ण परिवर्धित अवस्था होती है। एंजियोस्पर्म की 70% जातियों में परागण के समय पराग कण द्विकोशिक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पूर्व में चर्चा की कि इसकी जो कायिक कोशिका है वो बहुत पहले ही विघटित हो जाती है। यहाँ पर मैं एक स्पेशल एक्सेप्शन की बात करना चाहूँगा, साइप्रेसी। हमने पहले पढ़ा था कि लघु बीजाणु जनन के दौरान 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। चारों लघु बीजाणु एक समूह के रूप में होते हैं जिसको पॉलन टेट्रेड कहते हैं, लेकिन साइप्रेसी एक अपवाद है। इसमें 2 बार समसूत्री विभाजन से 4 केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रकों में से 3 विघटित हो जाते हैं और एक ही सक्रिय रहता है जिससे एक ही कोशिका परिवर्तित होती है और जिससे एक ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। सो देर इज़ अ लैक ऑफ पॉलन टेट्रेड टाइप स्ट्रक्चर इन साइप्रेसी। तो ये एक्सेप्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी हमने जो लघु बीजाणु जनन देखा उसको चित्र के द्वारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये लघु बीजाणु, इस लघु बीजाणु में आप देख सकते हैं कि ये एक केंद्रिक रिक्तिका बनती है। इस रिक्तिका का आकार धीरे धीरे बड़ा होता है और जीव द्रव्य किनारों पर चला जाता है। इसके केंद्रक में विभाजन से एक नलिका केंद्रक जो नलिका कोशिका का होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस जो आगे जाकर कायिक कोशिका बनाता है वो विभेदित होता है। देखिए, ये नलिका केंद्रक से ये बन गई कायिक कोशिका, नलिका कोशिका, और नीचे बन गई जनन कोशिका। फिर क्या होता है, जनन कोशिका के केंद्रक में विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं नर केंद्रक। आप इसमें देख सकते हैं, ये एक्जाइन बाह्य चोल और ये अंतः चोल पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। इसमें आप पोजीशन देखिए, ये दोनों नर केंद्रक हैं और ये जो है वो कायिक केंद्रक है। कायिक केंद्रक या जिसको नलिका केंद्रक कहते हैं ये विघटित हो जाता है और दोनों नर केंद्रक ही इसमें आगे फंक्शनल होते हैं। सो ये हमने पढ़ा, हमने चीज़ें क्लियर की। लघु बीजाणुओं का निर्माण जिसको पराग कण कहते हैं, फिर पराग कण की संरचना, पराग कण का अंकुरण और नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। अब जो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये दोनों नर केंद्रक निषेचन की प्रक्रिया में कैसे भाग लेते हैं जिसको हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो कभी कभार वाइवा में भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि लघु बीजाणु क्या है, नर युग्मक क्या है ना, इन दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए, है ना। जब हम बात करते हैं युग्मक जनन तब हम नर और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे अभी हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा, वैसे ही हम आगे गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे जिसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और उसमें भी फिर हम मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया को भी पढ़ेंगे जिसमें किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक, है ना। तो लघु बीजाणु से नर युग्मक बनते हैं, गुरु बीजाणु से मादा युग्मक बनते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो हम हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें निषेचन की प्रक्रिया और मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे।